अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बचका। उसके लिए मैंने चावल लिए हैं 1 कप। उसको मैंने भिगा दिया था, 1 घंटा हो गया है। आटा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है। 1 बाउल जो है मैंने मटर ली है। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून ली है। साबुत धनिया है, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई काली मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून लिए। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और हल्दी लिया 1/2 टीस्पून। अब हम चावल को जो मैंने 1 घंटे के लिए मैंने भिगा दिया था, अब मैं इसको पीस लूँगी बारीक। ये देखिए मैंने चावल पीस लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के ये बिल्कुल बारीक पीसना है। अब हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि कोई गुठली ना बने, और जो बाकी आटा हमारा रह गया था हम वो भी इसमें अब ऐड कर देंगे। ये देखिए ये इसमें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है हमारा। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया हमने इसमें। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। इसमें मटर ऐड करूँगी मैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखें ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर ये डालना शुरू करेंगे। ये हमारा फ्राई हो रहा है। जब ये नीचे से अच्छी तरह होने लगेगा तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। अगर आप चमचा चलाएंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखें ये ऐसा ऐसा ये ऊपर आना शुरू। ये देखें ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये नीचे से हो गया है। ये हम इसको पलटेंगे। अब ये दूसरी तरफ से इसका जब कलर आएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये अभी ये दूसरी तरफ से पकेगा हमारा। ये देखें अब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए हमारा हो गया है, ये पक गया है हमारा। बस हम अब इसको निकाल लेंगे। ये मैं इसको निकाल दूंगी, फिर हम दूसरा करेंगे। इसी तरह हम दूसरा डालेंगे वैसे ही फैला के। बस अब हम इसको पकने देंगे दोबारा। जब ये नीचे से ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा हमारा बचका तो फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारा ये बचका जो ये ऊपर आना आ गया है, अब हम इसको पलटेंगे। अभी दूसरी तरफ से फ्राई होगा फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखें ये भी हमारा हो गया, हम इसको पलटते हैं। ये देखें बस ये भी बन गया है, इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसी तरह ही मैं ये सारे बना लेती हूँ। ये देखें हमारा बचका तैयार हो गया है। अब हम ऊपर से इसमें चाट मसाला डाल देंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।